अच्छा जो बेटा एग्जाम्पल जो तुम्हारे पेज नंबर 16 में दिया हाइड्रोजन का जो एक कंपाउंड है हाइड्रोजन 4.07% कार्बन जो 24.27% क्लोरीन 71.65%। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम बताता है जब फॉर्मूला लिखते हैं ना पहले कार्बन आता है उसके बाद हाइड्रोजन आता है उसके बाद जो भी तुम्हारा हेलोजन वगैरह बाकी सब आते हैं। ओके तो लेकिन क्वेश्चन जैसे दिया हम लोग इसका टेबल बना लिया 4.07 हाइड्रोजन का उसको वन से डिवाइड क्योंकि आज उनका मोलर मास होगा कार्बन का 12 है तो अराउंड तुम्हारा 2.01 आ रहा है 021 आ रहा है इसे डिवाइड करके अप्रोक्सीमेट 2.018 आ रहा है। तो ये तीनों में से सबसे छोटे कौन है 2.018 इज द स्मॉलर है तो स्मॉलर वैल्यू से सबको डिवाइड किया यहाँ पर 2.02 पर अप्रोक्सीमेट 1.0021। ओके लेकिन रफ कैलकुलेशन साइड में दिखाना पड़ता है ध्यान रखना। ओके तो क्या हुआ सिंपल होल्डिंग रेशियो 2:1:1। अभी ना इसमें जो दिया था मोलर मास तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आएगा बेटा पहले देखो कार्बन लिखोगे हैं कार्बन का 1 है हाइड्रोजन का 2 है क्लोरीन का 1। ओके ये चीज है ठीक है। उसके बाद इंपेरिकल फॉर्मूला यू कैन राइट लाइक दिस CH2Cl लाइक दैट। अभी इंपेरिकल फॉर्मूला मास मतलब हम लोग फाइंड करें बिकॉज एन जरूरत है ना एन के लिए क्या करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास को इंपेरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड करते हैं ना। तो कार्बन का 12 हाइड्रोजन का जो 1:2 क्लोरीन का 35.5। ओके 12 और 2 14 प्लस 35.5 अप्रोक्सीमेटली इट विल बी दैट इज 9.49.5। ओके अभी क्वेश्चन में हम लोग को जो दिया मोलर मास मीन्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना दिया क्वेश्चन में 98.96। देयरफॉर एन इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास तो इसको डिवाइड करेंगे तो 98.96 और 49.5 तो ये भी क्या आ जाएगा तुम्हारा 2 के बराबर आ जाएगा। ओके 49 98 अप्रोक्सीमेटली 2। ओके अभी इंपेरिकल फॉर्मूला जो मॉलिकुलर फॉर्मूला हमको निकालना है मॉलिकुलर फॉर्मूला इक्वल्स टू एन इनटू एम्पिरिकल एन जो है 2 है एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2Cl तो क्या होगा C2H4Cl। ओके C2H4Cl ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अभी आगे अभी और कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है।